जेल की सलाहों के पीछे बनाए शारीरिक संबंध, सजा याफ्ता कैदियों को मिल सकती है राहत, वंश चलाने की दोगे दुहाई तो मिलन को मिलेगी रिहाई, नियमों के मुताबिक मिलेगी पति पत्नी को संबंध बनाने की मोहलत, वैवाहिक मुलाकात के लिए पंजाब और हरियाणा की जेलों में है ये सुविधा। जानिए क्या है सलाखों के पीछे कैदी पति या पत्नी के संबंध बनाने के नियम। कहने और सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जेल के भीतर से भी किलकारी गूंजने का सबब बन सकता है, लेकिन ये सच है। इसके लिए पति या पत्नी में से किसी एक को अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और फिर उसके बाद जेल के भीतर वैवाहिक मुलाकात की परमिशन मिल सकती है। हालांकि यूं तो इस तरह के कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में वैवाहिक मुलाकात के लिए नियम और शर्तों के साथ पति पत्नी को जेल में मिलने के लिए अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि विदेश की जेलों में कैदियों के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। कनाडा, जर्मनी, रूस, स्पेन, बेल्जियम, सऊदी अरब, डेनमार्क और अमेरिका की जेलों में कैदियों के आवेदन करने पर परमिशन दी जाती है। दरअसल इस तरह का पहला मामला पंजाब में सामने आया था, जहां पर जेल में बंद पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए पत्नी ने गुहार लगाई और कहा था कि वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसको लेकर काफी बहस और जिरह हुई। क्योंकि बड़ी वजह ये थी कि कई बार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में काफी महिलाओं ने जेल में बंद अपने पतियों से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। फिर 2022 में पंजाब की एक महिला ने याचिका दायर की और उसमें अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जिसके बाद पंजाब हाई कोर्ट ने नियम बनाने के लिए कहा। अब पंजाब की जेलों में अनुमति दी जा रही है। बता दें कि जेल में बंद पति या पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा, फिर शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और फिर उसके बाद पति और पत्नी के मेडिकल टेस्ट के बाद परमिशन दी जाएगी। गौरतलब है कि सलाखों के पीछे कुछ अलग से कमरे बनाए गए हैं, जिनमें डबल बेड के अलावा कुर्सी, मेज, वॉशरूम और पानी की सुविधा उपलब्ध है और इस वैवाहिक मुलाकात के लिए 2 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। बड़ी बात यह है कि यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कैदियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। खासतौर से उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को इस श्रेणी में रखा गया है।